भाई जहाँ अच्छा चैप्टर ये मेन पेज है जहाँ से आप लॉगिन या किसी को भी रजिस्टर्ड एडमिन के अलावा कर सकते हैं। ठीक है और रजिस्ट्रेशन विकास के नाम से मैंने बाहर को रजिस्टर किया हुआ पहले से। यहाँ पे आपको एक सप्लायर जो है वो करके देता हूँ अरसलान के नाम से। अरसलान ढंग से हो गया अरसलान @gmail.com। फिर कॉन्टैक्ट आ गया, कोई भी आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। फिर उसके बाद अरसलान आ गया, सप्लायर आ गया, रजिस्टर हमने कर दिया। ठीक है डन हो गया। अब ये चीज़ होगी, अब इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो अप्रूव करेगा आपका एडमिन। एडमिन जो है वो लॉगिन करके जाएगा वहाँ पे अपने पैनल में और फिर जो है आप वहाँ से कर सकते हैं इसके आप रिजेक्ट या अप्रूव जो भी आपने करना है। यहाँ से अप्रूव करेंगे तो साथ ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, सप्लायर जो है उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं बंदे, ठीक है, उन सब का डाटा आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो एक आ गया कि ऊपर बाहर है एक विकास के नाम से और नीचे जो है वो दो सप्लायर हो गए हैं, एक अभी हमने किया था और एक पहले किया था। यहाँ से अगर हम किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे कैसर है या अरसलान को हमने किया था, तो इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है और वो उसके होम पेज के ऊपर लेके आ जाता है उसको। ठीक है यहाँ से हम जाके उसको व्यू कर सकते हैं कि आया कि हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है नहीं कर रहा। फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट्स वहाँ से ऐड करता है ना कोई भी सप्लायर, ठीक है, तो वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। ये नाम है उस प्रोडक्ट का, प्राइस है, डिटेल है, कंपनी है, ठीक है, फिर सप्लायर डिटेल है, फिर इसी तरह से सारी चीज़ें। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, ठीक, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाती है इस पैनल से और वो सिर्फ उसके पास शो होती है। यहाँ पे सिर्फ जो रिक्वेस्ट आती है ना वो शो होती है। तो यहाँ से आपने अप्रूव कर दिया तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट अप्रूव कि आप इसको पब्लिश हो जाएगी अब। ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ से हम कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं, कोई नई कैटेगरी हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कैटेगरी, उसको डिलीट करेंगे तो वो हमारे पास रिमूव हो जानी चाहिए। ये इसको देख लेते हैं, डिलीट कैटेगरी। हाँ यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी ओके है। अभी हम इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो गई है, ठीक है, लिस्ट में से रिमूव हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ से कोई ऐड भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ इसको ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली थी, इसको दोबारा हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है, ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास जो था वो यूज़र से रिलेटेड चीज़ें थी सारी की सारी, ठीक है, जो हमारा एडमिन था वो ये काम कर रहे सारे। नेक्स्ट हम जाते हैं सप्लायर के पास। अब सप्लायर हमारे पास जो था वो हमने एक कैसर है हमारे पास और दूसरा हमने वकास से बाहर एक अरसलान था। हम कैसर के नाम से मैं जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ सप्लायर को। अब सप्लायर क्या कर रहा है कि वो अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर रहा है। सबसे पहले वो डिलीट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। जैसे अभी ये मोबाइल नंबर है तो अगर मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, मोबाइल नंबर मैं कहता हूँ कि एक डिजिट तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया है, अब इतना सा मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो इसको अपडेट करूँगा
वो मुझे नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका अपडेट हो गया। और देखें वो 3 उसने रिमूव कर दिया, और सेम इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। डिलीट नहीं करते क्योंकि बाकी फंक्शनैलिटी चेक करनी है, डिलीट काम कर रहा है इसका। मैनेज प्रोडक्ट्स में आ गए। अब जो प्रोडक्ट्स हम इस बंदा यहाँ से ऐड कर सकता है, यहाँ से ये प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक मोबाइल ऐड करता हूँ, वीवो, ऐसे वीवो 12 लिख देते हैं, वीवो नोट 10s, ये मोबाइल है तो मोबाइल आ जाएगा। देन हम इसकी प्राइस लिख देते हैं, मैं कहता हूँ जी 35,000 इसकी प्राइस है, और डिटेल मैं इसकी लिख देता हूँ जी कि ये 6 GB इसकी रैम है और जी बी रैम है और इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है। इंटरनल मेमोरी जो है वो है, इंटरनल मेमोरी 128 GB कर लेते हैं, और बैटरी इसकी हम बता देते हैं, बैटरी जो है वो है 4500 mAh। बस ये डिटेल हम इसकी डाल देते हैं, बाकी इसमें जो है वो कंपनी हम बताते हैं। मैं कहता हूँ जी ये वीवो कंपनी है इसकी, वीवो ठीक है, और सप्लायर डिटेल जो है वो मैं कहता हूँ यहाँ से ये मिल जाएगा आपको। ये उसने रिक्वायर्ड थी कि हाँ सप्लायर की डिटेल भी आपने देनी है। पिक्चर मैं ऐसे ही कोई रैंडम सी उठा के डाल रहा हूँ मोबाइल की, ठीक है। तो फिर ये जो है हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमें नोटिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो गई है प्रोडक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे सबसे नीचे शो हो जाएगी कि हाँ जी आपने जो अभी प्रोडक्ट ऐड की है उसका जो है ना स्टेटस अभी पेंडिंग जा रहा है। पेंडिंग से क्या होगा, अब ये दोनों ऊपर अप्रूव हुई है ना, ये मैं आपको जब बायर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे आपके उधर से जो है आपका सप्लायर बायर जो है वो यहाँ पे आएंगे, उसने कहा था कि वो ऑर्डर्स को मैनेज करेगा, ठीक है, और जितने भी कंप्लीट ऑर्डर्स होंगे या पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, ये अप्रूव और ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये कंप्लीट ऑर्डर हो चुका हुआ है, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से वो कैंसिल का भी दे सकता है। जैसे ही अप्रूव होगा तो वो एज अ मार्क एज कंप्लीट आ जाएगा, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो वो रिजेक्शन रिजेक्ट लिखा के रिजेक्ट हो गया ये, ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्ट मैंने वो अब ये रिजेक्ट में आ गया, ठीक है। ये तो वो सारी डिटेल जो है वो भी यहाँ पे इसकी शो हो रही है। देन आ जाते हैं हम अपने बायर की तरफ, तो बायर को लॉग इन करते हैं। बायर हमारे पास जो था वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है वकास के नाम से, 4 times इसका वकास का W है इसका पासवर्ड, और ये मैंने लगा दिया। अब देखेंगे ये दोनों दो प्रोडक्ट्स वहाँ पे अप्रूव हुई थी, ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट जो है वो अभी तक पेंडिंग में पड़ी थी। जो प्रोडक्ट सिर्फ अप्रूव हो जाएंगी वो यहाँ पे हमें शो होगी, दूसरी शो नहीं होगी। सारी उसकी डिटेल भी आ रही है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्राइस क्या है, डिटेल इसमें ये है, कंपनी क्या है, यहाँ सप्लायर डिटेल है वो है। अब यहाँ से अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वो ऐड टू कार्ट कर देगा, ठीक है, कार्ट में चली गई, और यहाँ से हम अपने कार्ड को जाके व्यू कर सकते हैं क्या है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसके पास 2 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो उसको बाय करना चाह रहा है तो यहाँ से बाय की रिक्वेस्ट जो वो मैंने आपको उसके सप्लायर में बताई थी वो कर देगा, ठीक, कितने चाहिए हमें, एक ही चाहिए, तो वो आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वो यहाँ से एडिट, और अगर एडिट कार्ड में आप लगाएंगे तो आप होम पेज पे चले जाएंगे, यहाँ से कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाहें तो वो आ जाएगी। अब ये उसकी सारी की सारी, उसने कहा था कि आपकी जो बाय की हिस्ट्री है वो आपके पास होनी चाहिए, ये ऑर्डर आपने पहले
हमने एक दिया था लेकिन उसने जो सप्लायर था उसने रिजेक्ट कर दिया, अभी ये हमारा एक पेंडिंग में पड़ा हुआ। तो ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ से हमें मालूम हो रही है और यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। उसने कहा था कि आप अपनी जो डाटा है उसको अपडेट एडिट कर सकते हैं, तो ये इसको मैनेज मैं करता हूँ अपडेट मोबाइल नंबर को। अगर जैसे किधर गया आपका सर, जैसे ही अपडेट पर क्लिक करूँगा तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा बाय रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ पे वो सिंपल उसका मोबाइल नंबर देखे चेंज हो गया। तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की थी सिर्फ। तो बाकी जो है वो आपको कोई भी इशू होगा तो वो फिर कर लेंगे।